एक बार की बात है, एक विशाल जंगल के किनारे बसे एक आरामदायक छोटे बिल में स्पार्की नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। स्पार्की कोई साधारण खरगोश नहीं था, उसके सपने बड़े थे और दिल उससे भी बड़ा था। अपने आकार के बावजूद वह अपने बिल की सुरक्षा से परे रोमांच की इच्छा रखता था। एक धूप भरी सुबह स्पार्की अपनी आंखों में चमक के साथ उठा। आज उन्होंने घोषणा की, मैं एक साहसिक यात्रा पर जा रहा हूं। उसके दोस्त बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू हूटी और चंचल गिलहरी जायफल ने उसे जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन स्पार्की दृढ़ निश्चयी थी। मैं छोटा हो सकता हूं, उन्होंने कहा, लेकिन मैं बहादुर हूं। अपने बैकपैक में एक गाजर और दिल में साहस के साथ स्पार्की जंगल में कूद गया। पेड़ उसके ऊपर दैत्यों की तरह खड़े थे और सरसराती हुई पत्तियां अज्ञात रहस्यों को फुसफुसा रही थी, लेकिन स्पार्की ने दबाव डाला, उसके कान उत्तेजना से खड़े हो गए। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, स्पार्की को सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा। हिरण का एक परिवार, चींटियों की एक व्यस्त कॉलोनी और यहां तक कि एक शर्मीली लोमड़ी भी। प्रत्येक मुलाकात उसे आश्चर्य और जिज्ञासा से भर देती थी, लेकिन फिर जैसे ही सूरज डूबने लगा, स्पार्की ने मदद के लिए हल्की सी चीख सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आवाज का पीछा किया और एक छोटी सी चिड़िया को कंटीली झाड़ी में फंसा हुआ पाया। ट्वीटी नामक पक्षी का पंख घायल हो गया था और वह उड़ नहीं पा रहा था। अपने छोटे पंजों से स्पार्की ने सावधानी से ट्वीटी को कांटों से सुलझाया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। चिंता मत करो, उसने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें घर पहुंचाने में मदद करूंगा। अंधेरा घिरने के बावजूद स्पार्की ने दृढ़ संकल्प के साथ ट्वीटी को अपनी पीठ पर बिठाया, छलांग लगाई और जंगल में घूमता रहा। रास्ते में हूठी और नटमेग उनके साथ जुड़ गए और उन्हें अपना मार्गदर्शन और समर्थन दिया। अंत में वे ट्वीटी के घोंसले तक पहुंचे, एक पुराने ओक के पेड़ की शाखाओं के बीच एक आरामदायक छोटा सा कोना। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ ट्वीटी ने स्पार्की को उसकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। जब स्पार्की ने ट्वीटी को अपने परिवार के पास वापस जाते हुए देखा, तो उसे एहसास हुआ कि सच्चा साहस दूसरों की मदद करने से आता है, चाहे आप कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। खुशी से भरे दिल और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ स्पार्की अपने बिल में लौट आया, यह जानते हुए कि उसे आने वाले कई और रोमांचों का सामना करना पड़ा। और इस तरह बहादुर बन्नी स्पार्की जंगल में एक किंवदंती बन गया, जिसने अपने साहस, दयालुता और अटूट भावना से उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को प्रेरित किया।